रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जनपद स्तरीय सभी अधिकारियों कार्मिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विभागीय स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा कि स्वच्छता हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि साफ सफाई को अपनी कार्यशैली में लाने की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने स्वच्छता को दैनिक जीवन हेतु महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने स्वच्छता पर सभी को जागरूक होने की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि सिर्फ विशेष अवसर पर ही अभियान चलाए जाने के बजाय सभी स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करें। उन्होंने अधिकारियों को आवंटित गाँव में कूड़ा निस्तारण के साथ ही अमृत सरोवरों के आसपास की सफाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि विद्यालयों में छात्र छात्राओं को नित्य स्वच्छता की शपथ दिलाए जाने के साथ उनके माध्यम से घर के अन्य लोगों को जागरूक करने की बात कही। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन ने विकासखंड स्तर पर सबसे स्वच्छ ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह स्वच्छता और सफाई के दृष्टिकोण से व्यवस्थित विद्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में महिला मंगल दल और युवक मंगल दल जो अपने अपने गांव क्षेत्रों में सबसे सुंदर स्वच्छता का कार्य करेंगे उन्हें विशेष प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। हर ब्लॉक में जो ग्राम पंचायत सेल्फ नॉमिनेट करे कि हमारी गाँव पंचायत सबसे स्वच्छ है और हमारी टीम जाके उसको प्रमाणित करती है तो उनको एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि वो और अच्छा अपने लिए डस्टबिन ले सके, पिट बना सके। इसी तरीके से जो विद्यालय हो, भले वो प्राथमिक हो या फिर इंटर कॉलेज लेवल का हो, वो अगर ये कहें कि हमारा विद्यालय सबसे स्वच्छ है और हमने उसको मेंटेन करते हैं तो उन विद्यालय को भी हम धनराशि मुहैया कराएंगे, प्रोत्साहन धनराशि।